चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे पूर्व पत्रकार आशुतोष। आम आदमी पार्टी ने जारी की लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को टिकट। लुधियाना से मशहूर वकील एचएस फुलका लड़ेंगे चुनाव। योगेंद्र यादव भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। गुड़गांव से आपने दिया टिकट। योगेंद्र यादव को दोहरी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव लड़ने के अलावा हरियाणा में आपके चुनाव का करेंगे संचालन। नागपुर में नितिन गडकरी को चुनौती देंगे अंजलि दमानिया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पर दमानिया ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। मेधा पाटकर भी लड़ेंगे आपसे चुनाव। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से आपने दिया टिकट। उत्तर पश्चिम मुंबई से मयंक गांधी को आपका टिकट। साउथ मुंबई से मीरा सान्या लड़ेंगी चुनाव। मुलायम के खिलाफ मैनपुरी से खड़े होंगे बाबा हरदेव। सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ सुभाष बाड़े। फरुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकुल त्रिपाठी को टिकट। बागपत से सोमेंद्र ढाका होंगे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। एचएस फुलका साहब चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर से योगेश दहिया चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद से मोहम्मद अजरुद्दीन के खिलाफ खालिद परवेज चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में महाबल मिश्रा जी के सामने जर्नैल सिंह चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की सूची पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा किस पार्टी की बात कर रही है आप? आप तो किसी प्रत्याशी की बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम आप किस पार्टी की तरफ से ये कह रहे हो। कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी जो आपकी है दिल्ली में, इसने लिस्ट जारी की है। और मुकुल त्रिपाठी जो है ये दिल्ली में जो आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में। से पहली बात तो ये है कि कोई ना कोई तो उतरेगा कैंडिडेट, और जो उतरेगा वो संघर्ष भी करेगा। बाहरी दिल्ली से महाबल मिश्र के खिलाफ टिकट पाने वाले जर्नैल सिंह का बयान, मेरे लिए हार जीत महत्वपूर्ण नहीं। तो आगे आना ये एक अवसर था, ये मौका है, शायद 50 साल या 100 साल में आएगा फिर इस देश के पास कि नहीं आएगा। और ये अगर समय निकल गया फिर निराशा आएगी, तो जरूरी है कि फर्ज बनता है, जीते या हारे ये अलग बात है, लेकिन इस समय आगे आना जरूरी। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मामलों की समिति में हुआ टिकट का फैसला। केजरीवाल के लड़ने पर अभी फैसला नहीं। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने उठाया नरेंद्र मोदी पर सवाल, कहा गैस कीमतों में इजाफे पर खामोश है मोदी। 1 अप्रैल से देश की जनता महंगाई से और त्राही त्राही करने लगेगी, इस पर उनके इरादे क्या है उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि अडानी और अंबानी से उनके रिलेशन क्या है, उनकी पार्टी क्या फंड करती है, उनकी पार्टी को सुबह केजरीवाल ने मोदी और राहुल गांधी से पूछा था सवाल, क्या रैली में गैस की कीमतों पर कुछ बोलेंगे दोनों नेता। के लिए केजरीवाल ने दिया इस्तीफा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर की रैली में नरेंद्र मोदी का राहुल सोनिया पर हमला, कहा वादे करने वाले बहुत देखे, मैं वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं। वादे करने वाले बहुत आए, वादे करने वालों को बहुत देखा है, आज मैं वादे नहीं इरादे लेकर के आया। मोदी का हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र पर निशाना, कहा 3 साल के अंदर 4 गुना बढ़ गई वीरभद्र की संपत्ति। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं पेड़ पर से 14 गुना पैसे मिल गए। मोदी ने किया करप्शन से लड़ने का दावा, कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके लिए करप्शन करूंगा, हमारे जैसे ही भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। विदेशों में जमा काले धन पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा अगर कांग्रेस नेता भ्रष्ट नहीं होते तो काला धन देश लाने में दिक्कत की। हिमाचल की रैली में बोले मोदी, बीजेपी में मेंबरशिप नहीं रिलेशनशिप होती है, एक बार जो बीजेपी में आ जाए खून का रिश्ता बन जाता है। एक बार जो भाजपा में आ जाए हमारा उसका खून का रिश्ता बन जाता है, हमारा जन्म जन्म का नाता बन जाता है, क्योंकि हम सभी
एक ही मां के संतान हैं। मोदी ने भाषण में फिर किया जहर की खेती का जिक्र, कहा बीजेपी करती है प्यार की खेती। तेलंगाना पर बवाल को लेकर मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा अटल राज में 3 राज्य बने लेकिन कोई फसाद नहीं हुआ। कर्नाटक के टुमकुर में महिलाओं की रैली में राहुल गांधी ने सुनाया बचपन का किस्सा, कहा क्लास में एक लड़का करता था तंग। अब 1-2 साल बाद मैं बड़ा हो गया, मैं तगड़ा हो गया और लड़का भाग गया। राहुल ने बचपन के किस्से को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा, कहा जिस तरह मुझे स्कूल में तंग किया उसी प्रकार महिलाओं को दबाया जाता है। उसी प्रकार से महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है, चाहे आप काम की बात करें, घर की बात करें, जहां भी आप जाती हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हमें दबाया जा रहा है। राहुल ने भाषण में नहीं किया मुकेश अंबानी और गैस कीमतों का जिक्र, केजरीवाल ने दी थी चुनौती। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति से की सिफारिश। दिल्ली में अभी नहीं होंगे चुनाव, विधानसभा को रखा जाए निलंबित। पहली बार दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक विधानसभा रहेगी निलंबित। मनमोहन कैबिनेट के फैसले पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, जब आप और बीजेपी चाहती है चुनाव तो विधानसभा सस्पेंड क्यों। उपराज्यपाल ने केंद्र को भेजी थी रिपोर्ट, की थी विधानसभा को सस्पेंड रखने की सिफारिश। दिल्ली विधानसभा को निलंबित रखने के फैसले पर बोले डी राजा, कहा अनैतिक आचरण को रोकने के लिए तुरंत हो चुनाव। गृह मंत्री ने केजरीवाल से फिर मांगा विदेशी फंड का ब्यौरा, कहा आम आदमी पार्टी ने अब तक नहीं दिया है ब्यौरा। सोलापुर में बोले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, बार बार मांगने के बाद भी आपसे नहीं मिली है फंड की जानकारी। लोकसभा में पेपर स्प्रे छिड़कने की जांच स्पीकर मीरा कुमार ने लोकसभा के विशेषाधिकार समिति को सौंपी, सांसद राजगोपाल ने छिड़का था स्प्रे। लाल कृष्ण आडवाणी का पीएम मनमोहन सिंह पर हमला, ब्लॉग में लिखा मनमोहन सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार। पटना की संकल्प रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से टूट की वजह का किया खुलासा, कहा मेरे साथ हुआ विश्वासघात। नीतीश ने कहा गडकरी ने दिल्ली बुलाकर दिया था भरोसा, फिर भी बीजेपी ने मोदी को बनाया पीएम उम्मीदवार। जूते के हमले में बचे हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा के डबवाली रैली में फेंका गया जूता। स्वर्ण मंदिर में एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने टेका मत्था। यूपी के सीएम अखिलेश ने बल्ले पर आजमाया हाथ, आईएएस एसोसिएशन के खिलाफ मैच में उतरे। अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण पर खर्च हुए थे 6,33,000 रुपए, आरटीआई से हुए खर्च का खुलासा। मुंबई के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मांगी थी जानकारी, दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ था केजरीवाल का शपथ ग्रहण। जानकारी में सिर्फ दिल्ली सरकार का खर्चा शामिल, पुलिस, नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, फायर ब्रिगेड का अलग से हुआ खर्चा। रामलीला मैदान में शपथ के बावजूद केजरीवाल के शपथ ग्रहण पर शीला दीक्षित के शपथ ग्रहण समारोह से कम खर्च। आरटीआई के मुताबिक 2008 में शीला के शपथ ग्रहण पर दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे 13 लाख रुपए। अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी सेना का प्रदर्शन, केजरीवाल पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बने, आम आदमी लोगों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, आज हालात दिल्ली में अराजकता के हैं। जन लोकपाल बिल पास न होने पर मयूर विहार में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मयूर विहार मेट्रो से लक्ष्मी नगर तक निकाला पैदल मार्च। नर्सरी दाखिले पर उपराज्यपाल के दिशा निर्देश के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रांसफर पॉइंट्स और नेबरहुड क्राइटेरिया से नाखुश अभिभावक।
तेलंगाना पर जारी है बवाल, दिल्ली में आंध्र भवन के बाहर प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने बीजेपी के चाय पर चर्चा अभियान पर ली चुटकी, बोली हम चुनाव से पहले नहीं करते ऐसा। देश में भ्रष्टाचार विरोधी माहौल को भुनाने की तैयारी में ममता बनर्जी, अन्ना के साथ देशभर में कर सकती हैं रैली। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने शुरू किया जनता से सीधा संवाद कार्यक्रम, भरतपुर संभाग में कर रही है जनसुनवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा, कार्यवाही का किया बहिष्कार। पीडीपी ने किया प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर पैलेट बुलेट चलाने का विरोध, कहा प्रदर्शनकारियों से जानवरों जैसा हो रहा सुलूक। दिल्ली के जैतपुर में ट्रिपल मर्डर, एक परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने पहले की युवक की हत्या, बेटे को बचाने आए मां बाप को भी भूना। दिल्ली के करोल बाग में सामने आया युवती की हत्या का वीडियो, वैलेंटाइंस डे के दिन हुई थी वारदात। सीसीटीवी फुटेज में तेज कदमों से चलती दिख रही है लड़की, पीछा करता दिख रहा एक शख्स। बदमाशों ने सिमरनजीत नाम की लड़की पर किए थे चाकू से वार, दो दिनों बाद भी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर, हिजबुल का आतंकी मोहम्मद शफी शेख मारा गया। सोपोर शहर के भट मोहल्ला में छिपा था आतंकी, सरेंडर करने पर चलाई गोली, सुरक्षा बल जवाबी फायरिंग में मारा गया। यूपी में कानून व्यवस्था की खुली पोल, कानपुर में दो मंत्रियों के घर हुई लाखों की चोरी। चोरों ने कानपुर में राज्य मंत्री आत्मप्रकाश शुक्ला और कमलेश पाठक के घर को बनाया निशाना, वारदात के वक्त घर में नहीं थे आत्मप्रकाश शुक्ला। बुलंदशहर पुलिस की अनोखी करतूत, कुत्ते के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, रिटायर्ड दारोगा को कुत्ते ने काटा था। आइसक्रीम पर प्रचार करेंगी करीना कपूर, मुंबई के समारोह में किया लॉन्च। जब भी खुशी की बात करते हैं तो अगर मूड ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है तो मैं चॉकलेट खाती हूँ, आई ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। मुंबई के आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचे सितारे, तिग्मांशु धूलिया, विद्युत जामवाल और प्राची देसाई ने की शिरकत। दुबई में शानदार तरीके से मनाया गया चौथा ग्रेट वुमेन अवार्ड मिडिल ईस्ट, देश के प्रमुख टीवी स्टार्स ने की ग्रेट वुमेन अवार्ड में शिरकत, रैंप पर उतरे टीवी स्क्रीन के सितारे। ग्रेट टीवी मैगजीन के एडिटर और पब्लिशर अनु और शशि रंजन ने पहली बार मिडिल ईस्ट चैप्टर की शुरुआत की, भारत में साल 2000 से किया जा रहा है ग्रेट वुमेन अवार्ड का आयोजन। वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलटवार, भारत की जीत के आगे मैकेलम और वॉटलिंग की जोड़ी अड़ी। छठे विकेट की साझेदारी में दोनों ने 158 रन जोड़े, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत पर बनाई 6 रन की बढ़त। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए, 94 रन पर गिर गए थे 5 विकेट, लेकिन उसके बाद मैकेलम और वॉटलिंग की जोड़ी नहीं तोड़ सके भारतीय गेंदबाज। ब्रैंडन मैकेलम 114 रन पर है नाबाद, भारतीय फील्डर्स ने दो कैच छोड़े, मैकेलम को भी मिला था जीवनदान। 52 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं वॉटलिंग, 208 गेंद का कर चुके हैं सामना।